जिस तरीके से राजस्थान क्रिकेट संघ पर कांग्रेस सरकार आने पर कब्जा किया गया था, गलत तरीके से जिला संघों में आप एडो कमेटियां बनवाई, प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया, जिला क्रिकेट संघ को डराया धमकाया गया, उसका दुष्परिणाम तो आना ही था। और सबसे बड़ी बात है, दो दिन से हम यहाँ इस शहर में है और हम सुन रहे हैं कुछ कांग्रेस ही उनके खिलाफ है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आतुर है। वो पत्र हमारे तक आया नहीं, हमने मार्केट में सुना उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, और अंत में उन्हें इस्तीफा देकर के जाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, जिन लोगों के भरोसे उन्होंने राजनीति की वही समय आने पर उनका साथ छोड़ गए, तो उनको इस्तीफा देना ही था। हमने 5 साल संघर्ष किया, वो 5 मिनट ही संघर्ष नहीं कर पाए। अगर क्रिकेट के विकास के लिए किया था, अगर उन्होंने इतना विकास किया है तो उनके साथ लोग बाग होने चाहिए थे, लेकिन शायद उन्होंने लोगों का मान सम्मान नहीं रखा, उनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं उनके साथ जो लोग बाग थे उनको ठेस पहुंचाई होगी, इसलिए अंततः उनको इस्तीफा देकर के जाना पड़ा। किसे अध्यक्ष चुनेंगे अब आप? ये राजस्थान क्रिकेट संघ में एक लोकतांत्रिक तरीका है, स्पोर्ट्स एक्ट है, लोडा पैनल की अप्रोच है, जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर संविधान होगा उस संविधान के तहत कार्य करेंगे सब लोगों से मिलकर। अगले महीने में आईपीएल मैच होने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा आरसीएम? आईपीएल यही होगा, सब मिलकर के कराएंगे, सरकार के जो निर्देश होंगे, क्योंकि सरकार की भी मंशा वही है कि खेल आगे बढ़े, और खेल आगे बढ़ने के लिए सरकार के साथ हम कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। जो भी आईपीएल के मैच के लिए जो भी हमारे को सरकार कहेगी कि इस तरीके की कार्यवाही करनी चाहिए, हम खेल के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, दर्शकों के लिए, खेल हित में हम सब मिलकर के काम करेंगे। गौर, गंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा, 50 जने क्या पता कितने जिलों को भंग किया, वो कार्यवाही क्या प्रेमपूर्वक कार्यवाही थी? पूरी दुनिया को पता है रामेश्वर डूडी के साथ क्या हालात किए गए, किसी से छुपे हुए थोड़ी है उनका, वो भी डेमोक्रेटिक वे में पूरे के पूरे नागौर जिला क्रिकेट संघ से बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए थे, उनके साथ जो हुआ। तो ये तो सरकार बदली है तो उनके लोगों की निष्ठा में बदली है, उन्होंने जो बंधक बनाए थे जैसे ही सरकार बदली उनको लगा कि अब हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, उन्होंने खुली हवा में सांस ली और बदलाव आए। के अंत में ये हुआ कि मैंने तो सुना कि काफी लोगों ने उनके खिलाफ अविश्वास पर हस्ताक्षर कर दी, जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, मारवाड़ी में कहावत है गोदाम ही खाली होगा, माल ही नहीं बचा तो पीछे उस स्टोर में करेंगे क्या। पूर्ण एक दबाव बनाया गया इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। देखो ऐसा है, वैभव जी को आज सरकार बदलने का दोस्तपूर्ण बात कहां से आ रही है? वैभव जी का जन्म ही राजनीति से हुआ है, जब वो जोधपुर के रहने वाले थे और राजसमंद जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो मेंबर भी नहीं थे राजसमंद से, और दादागिरी करके हमारे 3 जिला संघों को आउट कर दिया जब उनको यहाँ मेंबर बनाया गया था, और हमको फोरम तक भरने नहीं दिया, इतनी सारी लाठियां पड़वाई हमें फोरम भरने के लिए, निर्बोध करने के लिए। आज उनको राजनीति याद आ रही है इसमें, खेल में। एक्चुअली क्या है, उनके जिला संघ नाराज हो गए उनकी तानाशाही रवैया से, और उन्होंने सारे जिलों में कांग्रेस ही बैठा दिए, किसी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठा दिया, किसी में जिला प्रवक्ता बैठा दिया, किसी में अपना महासचिव बैठा दिया, किसी में कुछ बैठा दिया, जो बेचारे रजिस्टर्ड क्रिकेटर थे, सेक्रेटरी थे, उन सबको हटा के अपने लोगों को लागत तानाशाही है। इसलिए अब लोगों को तानाशाही अपना रखी थी, लोगों को अब लग रहा है कि भाजपा सरकार आ गई है, लोकतंत्र जिंदा है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुली आजादी में जीने के लिए मौका दिया सेक्रेटरियों को, वो अपनी आजादी उन्होंने निर्णय ले लिया। किसको अध्यक्ष चुनेंगे अब आप लोग सब मिलकर? ये तो पूरे सब लोग सेक्रेटरी जो है हमारे जिला संघ के 27-28-30 जो लोग हैं मिलकर निर्णय करेंगे, इसको चुनेंगे, निन्न में लोग हैं, कोई बन सकता है।